वे गिरधारी कहाँ हो भाई? तुम्हारे प्रचार चक्कर में आज ताबड़तोड़ नारे लगा रहे हैं हर जगह, लाल फूल, नीला फूल, गिरधारी भैया ब्यूटीफुल। तुम यहाँ बैठे हो? गिल्लू भैया सब बर्बाद हुआ भैया, सब खत्म हुआ, कुछ ना है बचा भैया। भाई भैया तुम कह रहे हो पेपर बनवा लो, सारे पेपर पूरे करो, हम पेपर पूरे करवा लिए, चाचा कहें गांव भैया माहौल बनवाओ, हम लपालप पैसा खर्चा किए और खूब माहौल बनवाए। अब अधिकारी लोग कह रहे हैं तुम्हारी सीट रिजर्व हो गई है और अब तुम चुनाव न लड़ पाइयो। भैया इतना पैसा खर्च किए रहे, मील के पेपर रख के जो पैसा लिए रहे, सब बर्बाद हुई हो भैया। अबे तुम पढ़े नहीं थे आरक्षण सिस्टम उस्टम के बारे अरे में? भैया पढ़े थे, सब पढ़े थे, लेकिन का हुआ वो मैं पता नहीं, चक्रानुक्रम चक्रा हमरा मूड़े चक्रा हुआ वही का समझे भैया। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, हमको एक चीज ही बताओ कि तुम लड़ काहे के लिए रहे थे प्रधानी में? देखो गिल्लू भैया हम तुम्हारा सम्मान करी थे, इका मतलब ई नहीं कि तुम हमरे जले पे नमक छिड़क लियो। तुम फिजूल में भबक रहे हो बे, तुमसे नॉर्मली पूछ रहे हैं लड़ काहे के लिए रहे, तुम काहे इतना भबक रहे हो? अरे तो भैया कहाँ लड़े कहाँ थे, अभी चुनाव भी तो खाली सोचे रहे चुनाव लड़े के। अच्छा चलो ठीक है, सोचे थे ना, काहे के लिए सोचे थे? सोचे थे भैया विकास करेंगे, वो काहे के लिए सोचे रहे? विकास करोगे? किसका विकास करोगे, अपना करोगे? यार पब्लिक में ही है, तुम ऐसे पूछो, गांव का विकास करेंगे वो काहे का विकास करेंगे? तो गांव का विकास तब होगा ना जब सब बराबर के हकदार रहेंगे, भागीदार रहेंगे। बराबरे तो हैं तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं हम। आसान भाषा में समझो, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी उम्मीदवारी, इसीलिए आरक्षण का सिस्टम सेट हुआ है। भैया भागीदारी उम्मीदवारी हम अपने वकील से पूछे रहे हैं, वो बताई हमका कि 1995 का कुछ मैटर है वही में सब सेट है मामला, अब सब पलट गए बात से अपनी। पहले 1995 वाला ही सेट था, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो गई कि एक भाई साहब कोर्ट पहुंच गए, अर्जी डाल दी कि भैया ये 1995 के चलते सब ऊपर नीचे हो ही गया है, कोर्ट ने इस पे लगा दी रोक। अब सरकार को आदेश दिया था कोर्ट ने, तो सरकार ने आधार वर्ष बदल दिया है। आधार वर्ष मतलब बेस ईयर। बेस वेस का मतलब तो समझते हो ना भाई? बेस भैया वही ना, बेस जो बेबी को पसंद है वही बेस। मैं तुम्हारे इसी बेबी के चक्कर में ना बाबू हुआ पड़ा है। बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष। एक ही चीज बताओ, कोई काम करते हो तो कुछ आधार मान के करते हो? हाँ वो तो बात सही है। तो बस सरकार ने भी आरक्षण लागू करने के लिए 1995 की जगह 2015 को आधार वर्ष मान लिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पिछली बार जिन जातियों को जो सीटें आरक्षित थी, इस चुनाव में उन जातियों को वो सीटें आरक्षित नहीं होंगी, और नए चक्रानुक्रम से इस बार नया आरक्षण होगा। चक्रानुक्रम समझाए लगे तुम? अब भैया आसान भाषा में हमका समझाओ, चक्रानुक्रम चक्रानुक्रम वह चक्रा चक्र हमरा चक्कर हुई हुआ। अबे चक्रानुक्रम का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन मतलब एक प्रक्रिया बदलने की। अच्छा ये बताओ, वो जो तुम्हारी मेदिनीपुर वाली फुआ आवत नहीं गर्मी की छुट्टी में, आवत है कि ना? ये अरे कहे ना, ये तुमका का आपत्ति? आपत्ति नहीं, नॉर्मली बता रहे हैं भैया तुमसे, आवत है कि नहीं? तुम नान नान रहे, तुम्हारी दो टू तीन टू डिवीजन को एक साथ बिठा के रोटी खिलावत रहे ना भैया, बराबर बराबर एक के बाद एक, कुछ समझे? मतलब बारी बारी रोटी खिलावत रहे तो का? ए, मतलब एक क्रम से खिलावत रहे ना भैया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अच्छा मतलब बारी बारी सब लोग रोटी खाई है? तो सब लोग रोटी खाई है, ऐसे ही सरकार ने आरक्षण की जो प्रणाली सही की है एक चक्र में सही की है कि सबको एक साथ बराबर बराबर का मौका मिले, इसीलिए चक्रानुक्रम बनाया है। पहले महिला SC ST, फिर SC ST, फिर OBC महिला, फिर OBC, फिर महिला रिजर्वेशन, फिर सामान्य। इसी क्रम में सरकार 2015 को आधार वर्ष मान के इस बार वाला आरक्षण लागू कर रही है। अबे तुम ऐसे समझो, गुप्ता रहे प्रधान तुम्हारे बार इस बार? गुप्ता नहीं, गुप्ताइन रहे। अबे प्रधान तो गुप्ता कर रहे थे। हाँ, कर दौड़ भाग वह कर रहे हैं, लेकिन प्रधान गुप्ताइन रही। इसका मतलब ये हुआ कि OBC महिला सीट रही, रही कि नहीं? ठीक, लेकिन इस बार चूंकि वो पहले OBC महिला से रिजर्व रही, जो नया वाला आरक्षण आधार इस बार माना है 2015 इन लोगों ने, तो इस बार OBC महिला को नहीं आरक्षित होगी वो सीट, चक्रानुक्रम के जरिए और आबादी के अनुसार वो किसी और को आरक्षित हो जाए। तो अभी हमारा मामला मतलब सुलटा नहीं है। अबे देखो, अगर महिला रिजर्वेशन हो जाए तो भौजाई को उठा दियो, और अगर भौजाई कहाँ ये सब कर पाई है? करोगे तो तुम ना, प्रधान तो तुम करोगे ना। चलो ठीक है, और अगर पुरुष हो तो तुम तो हो ही भैया फिर लड़ने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुमको एक राय की बात बताते हैं, सुनो। ये जो लल्लुआ है ना अपना, ये लल्लुआ पीछे वाला है, इसका माहौल सेट है भैया, इसको दे दो तुम समर्थन, और समर्थन देने के बाद क्या होगा, ये जाएगा जीत, और तुम्हारा भी माहौल सेट रहेगा, वो प्रधान भी बन जाएगा और तुम्हारा माहौल भी बना रहेगा।
हाँ भैया वैसे बात तुम सही है कह रहे हो, क्योंकि हम जीते हो चाहे ना जीते, प्रधानी लड़े चाहे ना, वहाँ भौकाल कम नहीं हो, बस भौकाल बना रहना चाहिए। चलो अब चलो उसको समर्थन दे, चलो भैया चलो चलो, परेशान मत हो जरा, चलो।